हेलो बच्चे, हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा 3, दूसरी क्लास कक्षा 3 की पहले भाग में वर्ण और वर्णमाला पढ़ी थी। दूसरे भाग में वर्ण के छेद पढ़े। ठीक है बच्चों, आज हमारी दूसरी क्लास। वर्ण वर्ण के बारे में पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था। वर्ण भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और उस वर्ण के व्यवस्थित स्वरूप को, उस वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 2 भागों में बांट दी जाती है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन से मिलकर के हमारी वर्णमाला बनी है। ठीक है, अब इसमें स्वरों को हम बिना किसी सहायता के अपने मुंह से बोल सकते हैं। ठीक है, स्वर बिना किसी सहायता के उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, ये 11 होते हैं। और वर्ण तो 11 होते हैं, इन्हें बिना किन्हीं स्वरों की सहायता के बोला जाता है। लेकिन व्यंजन, व्यंजनों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। स्वरों के कुछ चिन्ह होते हैं, मात्राएं होती हैं, जिन्हें हम व्यंजनों के साथ लगा करके बोलते हैं, उन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, इन्हीं वर्णों से मिलकर के बनते हैं शब्द। उन शब्दों को जब हम एक शब्दों से एक-एक वर्ण को जब हम अलग करते हैं, तब उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्दों को मात्राओं से एक-एक शब्द अलग करके जब हम लिखते हैं, तब हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो शब्द, जैसे मैं आपको आज कुछ शब्द बताऊंगी, ठीक है, और उन्हें कैसे अलग-अलग करके लिखते हैं ये बताऊंगी, आप ध्यान से देखना। ठीक है, उन्हें ध्यान से देखना। कुछ शब्द मैंने लिख करके रखे हैं, वो आपको बताती हूँ। आप सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे लिखे हुए कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ शब्द दिख रहे हैं आपको। देखिए, इसमें पहला शब्द क्या लिखा हुआ है? बाजार। ठीक है, पहला शब्द है बाजार। बाजार का एक-एक शब्द हम कैसे अलग करेंगे, ध्यान से देखिए। बाजार का पहला वर्ण है, बाजार का पहला वर्ण है ब। ठीक है, ब को, बा में से जब हम मात्राएं अलग करेंगे, जब मात्राएं अलग करें, बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े आगे बा में ये छोटा हलंत लगा देते हैं जब इनमें से मात्राओं को अलग करते हैं। ब व्यंजन है, व्यंजन को बिना मात्राओं की सहायता के नहीं बोला जा सकता, और जब इसमें से मात्रा निकाल देते हैं तो ये जो लाइन लगा देते हैं, इसे हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत। बा में हलंत लगा दिया और प्लस इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बड़े आ की मात्रा जुड़ी हुई। ठीक है, बड़े आ की मात्रा जुड़ी। फिर दूसरा शब्द आता है जा। जा में भी बड़े आ को निकाल, इसमें हलंत लगा देंगे और इसके बड़े आ की मात्रा को अलग से लिख देंगे। फिर प्लस डाल करके अगला शब्द है रा।
रा में हलंत लगा देंगे और इसमें र जो इसमें अ की आवाज आती है उसको निकाल करके अलग लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बाजार शब्द की एक एक मात्रा और एक एक वर्ण को इस तरह से हम अलग करेंगे। दूसरा शब्द है कलम। कलम, कलम में पहला अक्षर है का में हलंत लगाया, उसके अंदर जो छोटा आ छिपा होता है, हर वर्ण हर ये व्यंजन के अंदर छोटा आ मिक्स होता है, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। तो इस का में भी कलम, इन तीनों में ही छोटा आ अपने आप ही मिला हुआ है। का में हलंत लगा दिया, इसके छोटे आ को अलग लिख दिया, फिर ला में हलंत लगा दिया और इसके भी छोटे आ को अलग लिख दिया। आखिरी शब्द है मा, आखिरी अक्षर है मा, मा को भी अलग लिख के इसमें भी हलंत लगा दिया। हलंत लगाने का मतलब होता है कि अब इसमें कोई भी स्वर नहीं है और ये उच्चरित नहीं हो सकता, बोला नहीं जा सकता। ठीक है, अब हलंत लगे हुए व्यंजनों में कोई भी मात्रा नहीं है और इसमें जो मात्रा मिक्स होकर के हम उसको बोलते हैं उसे ये आ के रूप में अलग कर दिया। ठीक है, फिर अगला शब्द है सिपाही। क्या है अगला शब्द? है सिपाही। सिपाही में पहला वर्ण है सा। सा में हलंत लगाया, इसमें मात्रा लगी हुई है छोटी की सी। फिर अगला वर्ण है पा। पा में हलंत लगाया और इसमें लगी हुई है मात्रा बड़े आ की। ठीक है, बड़े आ की मात्रा लगी है। अगला शब्द है हा। हा में हलंत लगा करके इसकी ए की मात्रा को अलग लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हम शब्दों को मात्राओं से अलग अलग करके जब एक एक वर्ण को लिखते हैं तब हम इसी को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ शब्द उदाहरण के। अगला शब्द है सुमन। सुमन में पहला वर्ण है सा। सा में हलंत लगा दिया, फिर प्लस डाल के उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी उ की। छोटी उ की मात्रा लगी है तो छोटा उ लिख दिया। फिर अगला वर्ण है मा। सुमन मा, मा में छोटा अ मिक्स है, मा में हलंत लगा के इस आ को अलग लिख दिया। फिर अगला वर्ण है ना। ना को हलंत लगा के और इसमें का अ अलग लिख दिया। ये हो गया आपका सुमन। ठीक है, फिर देखिए अब बेटे अगला वर्ड आता है, अगला शब्द आता है आपका शरीर। अब देखिए शरीर में क्या क्या मिक्स है, कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई है, उन्हें भी अलग करेंगे। पहला शब्द है श। ठीक है, श को अलग करके उसमें हलंत लगा दिया और उसमें जो छोटा आ है उसको अलग लिख दिया। अगला वर्ण है रा। रा में हलंत लगा के उसमें लगी हुई बड़ी की मात्रा बड़ी को अलग लिख दिया। फिर उससे अगला वर्ण है रा। रा में जो अमिक्स है उसे निकालने के लिए हलंत लगा दिया रा में और छोटे आ को अलग लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका शरीर का वर्ण विच्छेद। अगला शब्द है पुस्तक। अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक में पहला वर्ण प, इसमें हलंत लगा दिया और इसकी छोटे ऊ की मात्रा को ऊ के रूप में अलग लिख दिया। अगला है आधा स। तो स में हलंत लगा दिया तो ये आधा हो गया। आधे स में अ की डंडी नहीं लगी हुई है ना, आधा सा लिखा हुआ है तो स के बाद अ यही लिखेंगे क्योंकि ये आधा ही है। उससे अगला वर्ण है त। आधा सा त के साथ है।
ता में हलंत लगा दिया और उसमें का छोटा आ अलग लिख दिया। अगला वर्ण है का। का को भी हलंत लगा दिया और उसमें से छोटे अ को निकाल के अलग लिख दिया। ये हो गया आपका पुस्तक। ठीक है, ये पुस्तक हो गया। फिर एक और शब्द है, उसका मैं आपको बताती हूँ। अगला शब्द है गांव। क्या है अगला शब्द? क्या है? गांव। ठीक है, अगला शब्द है गांव। गांव में पहला वर्ण है गा। गा लिख के उसमें हलंत लगा दिया और उसमें बड़े आ की मात्रा लगी हुई है वो लिख दिया और उसी आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। यहां मैं बच्चों को एक चीज आपको बताऊं, स्वरों में, स्वरों के अंदर दो वर्ण और होते हैं, उसे हम वर्णमाला में शामिल नहीं करते। अनुस्वार और चंद्रबिंदु, उन्हें हम स्वरों के ऊपर अलग से लगाते हैं। स्वर के ऊपर लगाते हैं, व्यंजन के ऊपर नहीं लगते हैं। ये अनुस्वार दोनों अंग की बिंदी और ये चंद्र बिंदु। ठीक, तो इसलिए आ के ऊपर वो चंद्र बिंदु लगा दिया। फिर अगला वर्ण है वा। वा में हलंत लगा के और वा में कोई मात्रा दिख नहीं रही है लेकिन इसमें छोटा आ है। आप लोगों को पता है कि व्यंजनों में छोटा आ मिक्स करके तब उनका उच्चारण किया जा सकता है। अगला वर्ण है आ, अलग निकाल के लिख दिया। ये हो गया गांव। ठीक है, अब ये सारे शब्द आपको समझ में आ गए? ठीक है, हम पढ़ रहे थे वर्ण का चैप्टर। ठीक है, ये वर्ण वर्ण के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसकी वर्णमाला होती है, व्यवस्थित रूप इसका वर्णमाला है। वर्णमाला में दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 33, और इनमें हमें स्वरों की सहायता, स्वरों की मात्राएं लगानी पड़ती है तब हम इसको बोल पाते हैं। ठीक है, अब वर्णों से ही मिलकर के बनते हैं शब्द। शब्द जो है जैसे कम, कम कोई चीज थोड़ी सी है तो उसको कहते हैं कम। जैसे फिर तीन शब्दों वाले शब्द बनते हैं जैसे कलम। फिर चार शब्दों वाले शब्द, चार वर्णों वाले शब्द बनते हैं जैसे शलगम। ठीक है, तो इस तरह से इन शब्दों में जो भी शब्द होते हैं और उनमें जो मात्राएं लगी होती हैं, अगर हमने एक एक अलग अलग करके वर्णों को अलग कर दें तो हम उसी को वर्ण विच्छेद करते कहते हैं। जो पाठ आज हमने पढ़ा, जो पाठ मैंने आज आपका कक्षा 3 को पढ़ाया वो था वर्ण विच्छेद। सब बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, अब हम अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ आएंगे, तब आप लोगों को एक और नई चीज बताएंगे। ठीक है, आप सब बच्चे जो होमवर्क भेजा जाएगा उसको कॉपी में करके रखना, बाद में जब हम स्कूल खुलेंगे तब उनको आपके हॉलीडेज होमवर्क, आपके होमवर्क के रूप में चेक करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों को कोई भी चीज समझ में नहीं आई वो अभी बाद में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बताना, जो चीज समझ में नहीं आई होगी वो मैं आपको फिर से बता दूंगी। वर्ण का चैप्टर अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, वर्ण से लेके और वर्ण विच्छेद तक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो बेटे, हम अपनी अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय।